अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अमानंद नजीब और आप देख रहे हैं फॉरन टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो में है हमारे साथ नोवा विस्टा की बेहमत। शायद मैं प्रोनाउंसिएशन सही ना कर रहा हूँ, तो इसका इसके जो स्पेलिंग है BEHEMOTH बेहमत। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इसको एयर वेंट्री ने लॉन्च किया है एवेंजर बुलपॉप के नाम से। बिल्कुल हमारे पास जो लिवियाथन आई थी PSR2 उसको लॉन्च किया था एवेंजर के नाम से। तो ये है वही चीज़ है, बस बुलपॉप है। तो एवेंजर बुलपॉप के नाम से ये इंटरनेशनल मार्केट में आपको मिलेगी। इस तरह दिखा दूँ आपको, इस तरह का डब्बा है जी, BEHEMOTH बेहमोत PCB एयर राइफल कॉल 177.22 और 25। ये जो हमारे पास है ये 0.22 में है। जी दोस्तों, ये है इसकी मैनुअल गाइड, इंस्ट्रक्शन मैनुअल। अच्छा जी, और क्या है इसके साथ, तो ये हैं जी मैगज़ीन, दो अदद मैगज़ीन है। अच्छा जी, एक एलन की है और तीन ओरेंग हैं छोटे से इसके अलावा, और कुछ नहीं है। ये इसली का जल का पैकेट है। निकालते हैं जी एयर गन को। जी बिल्कुल जी, एवेंजर या लिवियाथन से मेरे पास इस वक्त नहीं पड़ी, वरना मैं आपको दिखाता। हाँ वो पड़ी है, वो नोवा विस्टा की मल्टी पम्प, उससे इसका जो मटेरियल है प्लास्टिक है पॉलीमर है वो थोड़ा बेहतर है, ये हार्ड है। जबकि लिवियाथन को हम हाथ में उठाते थे तो आवाज़ें आती थी ची ची ची, ऐसा लगता था जैसे अभी ये टूट ही जाएगा। तो ये बेहतर है, इसका जो मटेरियल है उससे काफ़ी बेहतर है। खूबसूरत है जी। पीछे बात करें तो एडजस्टेबल इसका बट पैड है। ये है जी नोवा विस्टा की बेहमत एयर वेंट्री एवेंजर बुलपॉप भी कह सकते हैं आप इसको। पीछे बात करें तो एडजस्टेबल इसका बट पैड है, ऊपर नीचे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से खींचेंगे। इसका जो चीक रेस्ट है वो भी एडजस्टेबल, आगे पीछे आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे है जी ये, इसको दबाएंगे, नीचे दबाएंगे तो इसको फिर एलन की से ही दबा लें तो ये वर्क कर जाएगा। अच्छा जी, साइड लीवर गन है वही, जो लीवर है इसका वही लिवियाथन वाला है। ये जी मैनुअल सेफ्टी है, इस तरफ बात करें तो रेगुलेटर की गेज है और इस साइड पे है जी प्रेशर की गेज। इसका मटेरियल कदरे बेहतर है लिवियाथन से, काफ़ी बेहतर है इसका, हार्ड है वो बिल्कुल ही बारीक था। पिस्टल ग्रिप है जी, खूबसूरत ग्रिप लग रही है, और जो ट्रिगर है वो मेटल का है। ऊपर दी गई है जी 22mm की पिकाडिनी वेवर रेल, और रेल की हाइट बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है ऊंची, अगर माउंट लगाएं स्कोप लगाएं तो काफ़ी ऊपर चली जाएगी। खैर नीचे जी सिलेंडर है, ऊपर है इसकी बैरल, फुली श्राउडेड बैरल है। आगे यहाँ से आप इसको फिल करेंगे और ये डस्ट कवर के तौर पर बंद हो जाएगा। आगे भी इसकी बहुत सारे हॉट पॉइंट हैं,
रेलें दी गई हैं, नीचे भी रेल है भाई साहब, हम की पिकेटिन रिवर रेल साइड पे भी है और इस साइड पे भी है। तो लाइट लगाएं, लेज़र लगाएं, जो भी लगाएं, नीचे आप वाइपर लगा सकते हैं। और इसके अलावा एक हॉल है, यहाँ पे आप स्लिंग लगा सकते हैं, इधर भी है और पीछे भी दिया गया है जी। नीचे ये जी स्लॉट दिए गए हैं, आप एक्स्ट्रा मैगजीन यहाँ पे आप रख सकते हैं। यहाँ की बात करें तो एक है इसका ये डी गैस करने के लिए, इसकी हवा निकालने के लिए, और दूसरा है जी इसका रेगुलेटर का एडजस्टर। आप रेगुलेटर की एडजस्टमेंट इसको इसकी बाहर से भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह जी बहुत जल्द इसका फुल रिव्यू बनाएंगे कि ये परफिल में हमें कितने शॉट्स दे सकती है, इसकी एक्यूरेसी कैसी है, और इसकी पावर भी चेक करेंगे। इसकी प्राइस है जी इस वक्त 82,000 रुपये। जी इस तरह आप इसको रेल को, और ये रेल निकाल भी सकते हैं। ये खामखा का फड्डा दिया गया है, इसी फड्डे की वजह से रेल आप ज़्यादा ऊपर की गई है, तो इस फड्डे की ज़रूरत नहीं थी ख़ासकर, काफ़ी ऊपर रेल है। खैर जब इसको हम चेक करेंगे कि जी, ये थी जी आज की वीडियो। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।